जितिया पर्व में बन रहा है ये शुभ योग, जानिए कौन सा मुहूर्त होगा शुभ। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। हिंदू धर्म में जीवित पुत्रिका अर्थात जितिया व्रत बहुत खास माना जाता है। हर साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को महिलाएं जितिया का व्रत रखती हैं। ये व्रत महिलाएं निर्जला रखती हैं। इसका पारण नवमी को किया जाता है। वैसे तो हिंदू धर्म में करवा चौथ और तीज व्रत के बहुत महत्व हैं, पर इसी की तरह जितिया का भी विशेष महत्व है। ये तीनों ही व्रत शादीशुदा महिलाएं करती हैं। बता दें कि तीज का व्रत और करवा चौथ महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। वहीं जीवित पुत्रिका का व्रत महिलाएं अपने संतान की सुख समृद्धि और कामयाबी के लिए रखती हैं, साथ में उनकी लंबी आयु की कामना भी करती हैं। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि जीवित पुत्रिका व्रत रखने से संतान के जीवन में किसी प्रकार के संकट नहीं आते हैं। इस साल जितिया का व्रत 25 सितंबर को है। माताएं इसी दिन व्रत रखेंगी और इसका पारण 26 सितंबर को होगा। इस साल जितिया व्रत के दिन कुछ शुभ योग बन रहे हैं। इस योग के दौरान पूजा करने से व्रत सफल होगा और बेहद फलदायी भी। जितिया व्रत के दिन वरियान योग और आद्रा नक्षत्र बन रहा है। वरियान योग सुबह से शुरू होकर देर रात 12:18 तक रहेगा। इस योग के बाद परिग योग होगा। वहीं आद्रा नक्षत्र प्रातः काल से शुरू होकर रात के 10:23 तक होगा। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र का निर्माण होगा। बता दें कि वरियान योग के समय कोई भी मांगलिक कार्य किया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्रों में वरियान योग को बहुत ही शुभ और फलदायी माना गया है। इस योग के दौरान पूजा अर्चना करने से महिलाओं को व्रत का दोगुना फल प्राप्त होगा। इस साल 24 सितंबर मंगलवार को 12:38 से अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आगमन हो रहा है। इस तिथि की अवधि अगले दिन यानी 25 सितंबर बुधवार को 12:10 तक में है। ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से इस साल जितिया का व्रत 25 सितंबर के दिन बुधवार को किया जाएगा। जितिया व्रत में पूजा करने का समय 4:10 से शुरू होगा और 5:45 तक इसका समापन होगा। जीवित पुत्रिका व्रत में माताएं सारा दिन और सारी रात निर्जला उपवास रखती हैं, साथ में उन्हें घर के काम करने की मनाही भी होती है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन गंधर्व राजा जीमूत वाहन की पूजा की जाती है। इसके अलावा एक कहानी भी है। राजा जीमूत वाहन ने अपनी साहस और समझदारी से एक माँ को उसके बेटे का जीवन दान दिलाया था। उसी वक्त से राजा जीमूत वाहन को भगवान के रूप में पूजा जाता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। क्या आप भी जीवित पुत्रिका का व्रत कर रही हैं? हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।